मैंने पहले ही कहा था कि अन्याय हो रहा है, लेकिन सुनने वाला कौन है सब लोग जानते हो। जिस दिन ये नियुक्ति हो रहा था कि डीएड के जगह हम बीएड वाले को ले रहे हैं करके, उसी दिन हमने विरोध प्रकट किया। बहुत लोगों को बोला भी, भैया ऐसे मत करो, जब डीएड वाले हैं तो डीएड वाले को ही सहायक शिक्षक में लो और बीएड वाले को मत लो। लेकिन नहीं, बीएड वाले योग्य हैं, उसके बाद ज़्यादा डिग्री है, तो इसका मतलब कभी भ्रिट में अगर पोस्ट निकलेगा तो एमबीए वाले को ले लोगे क्या भाई? पाँचवीं पास में ही मेरिट लिस्ट में भ्रिट में जाएगा ना भाई। लेकिन अन्याय का हद आपको बता नहीं सकते सर, इतना प्रॉब्लम है यहाँ कि किसका रोना को देखो, किसका आंसू पूछोगे आप। अभी 3500 लोग टीचर वाले लोग का हालत ख़राब है, तो ये 3500 ही नहीं है सर, शुरू से प्रॉब्लम चले आ रहा है। दुख इस बात का है 3500 लोग निकल गए, वो दुख नहीं है, 2003 से पीएससी में फर्जी भर्ती हो रहा है। 2005 में तो इतना खतरनाक भर्ती हुआ था, आप लोग जान के हैरानी होगा, बिलासपुर हाईकोर्ट में पड़ा है वो एंसर शीट। 60 नंबर वाले को 65 नंबर देकर डिप्टी कलेक्टर टॉपर घोषित किया गया है, और उस अधिकारी को अभी नौकरी करते कितना दिन हो गया, 19 साल। कुछ दिन बाद वो रिटायरमेंट भी हो जाएगी, लेकिन उसको कभी भी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। अब देख लीजिए इतना अन्याय है, और यहाँ पे जो हुआ है गलत भर्ती तो हुआ है, वो ऐसा होता नहीं कभी, लेकिन ये लोग कर दिए हैं। आप भाई तुम 1.5-2 साल उनको नौकरी करा डाले हो, अब इस नौकरी के चक्कर में क्या प्रॉब्लम हुआ है? कई जने नौकरी है करके शादी कर डाले हैं, दूसरे नौकरी वाले लोग छोड़ के, अच्छा नौकरी है गवर्नमेंट नौकरी, टीचर की नौकरी में क्या होता है, पूरा अवकाश मिलता है, फेस्टिवल अवकाश ज़्यादा मिलता है, लोग आराम की जीवन चाहते हैं, तो जो दूसरे नौकरी में थे उसी ग्रेड पे वाला वो नौकरी छोड़ के इसमें आए हैं, अब इससे बाहर निकाल दिए, वो कहाँ जाकर मरेगा बताओ आप। एक तो डीएड 3500 लोग को तुमने नहीं लिया, वो अलग 3500 लोग परेशान हो गए कि हमारी नौकरी नहीं लगी। बीएड वाले लोग को 3500 लोग को इसमें लगा दिए, और लगाने के बाद 2-3 साल बाद उनको निकाल दिए, वो अलग परेशान हो गए। कोई मिला के 7000 ऐसी लोग डिस्टर्ब हो गए, उनके लाइफ से खिलवाड़ हो गई। उसमें से अगर 1000 लोग शादी किए होंगे, तो वो जिस लड़की की शादी नौकरी वाला मेरा दमान है बोला, वो भी अब पागल हो गए। दोनों दमान भी पागल है, सास ससुर भी पागल है, और जिस लड़की ने वो शादी किया टीचर के साथ वो भी पागल हो गई कि तलाक दूँ कि नौकरी करवाऊँ क्या करूँ। आप खुद सोचिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। लेकिन सर ये प्रॉब्लम ना निरंतर चले आते रहेगा, ये होते ही रहेगा। उसका कारण यह है, हम छत्तीसगढ़िया लोग का चुपचाप रहना, हमारा ना खून ना सर गर्म नहीं है, हमारा खून कैसा मालूम है, पानी है। हम लोग कोई भी चीज़ होता है ना सही लेते हैं, और हमारे एक ठन वर्ड है छत्तीसगढ़ी में, एक नंबर वर्ड, मैं कहा बताऊँ, ये वर्ड लज्जे बना हुई ना, वाला कई टुकड़ा काटेल भाटे इच्छा होते, कीड़ा पर के मरी, कुछ भी होते कीड़ा पर के मरी। देखे हो कभी कीड़ा ला पूछ लो परही कि नहीं परही, बड़ा दुख लगता है। कुछ भी होगा किसी से ना का कहते, हाँ रोगा भगवान और सजा दी, अरे भगवान ने सजा दे दी तो 3500 आदमी को अंदर ले ले भाई, भगवान मान जाऊँगा मैं, कोर्ट का फैसला आज से नहीं रहा तो 3500 को लेकर बता दे। सर हर चीज़ काम भगवान नहीं करेगा, आपको भी थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। और जब तक हम लोग इस मामले में एकदम सजग नहीं होंगे, और मैं ऐसा सोचता हूँ वाकई में अगर इसको राजनीतिक मुद्दा से अगर कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे ना, तो ऐसी ही आपके साथ अन्याय होता रहेगा। ये 3500 टीचर का मामला नहीं है सर, आप एक भर्ती निकाल के दिखाइए जो एकदम टापो टाप हो रहा हो, एक बच्चा रोते हुए जरूर आएगा, ये ऐसा हो गया सर, ये वैसा हो गया सर, ये ऐसा हो गया। तो मैं माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 3500 टीचर जो बाहर हो गए उसको बाहर मत करो आप। अभी जो 33000 पड़ा है ना, उसमें इनको शामिल कर दो, उनको नियुक्ति दे दो, और 3500 जो डीएड लोगों को नहीं लिए उनको आप अंदर ले लो जी, और शिक्षक वाले पद को घटा दो, 33000 को कर दो आप 3000 कर दो, 30000 कर दो, 2-3000 जितना भी इनके पद है उनको लेने के बाद उनमें घटा दो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उनके पास बीएड की डिग्री है। और अगर वो लोग टेट पास नहीं हो पाए हैं तो उनको टेट पास करवा लो आप, क्या होता है। अभी भी तो कई टीचरों को आपका रिटायरमेंट 6 महीना बाकी था, उनको आपने बीएड करवाया जब बीएड अनिवार्य हो गया था, तो किसी के लाइफ से खेलो मत सर, यही चीज़ें। इतना गुस्सा बोलते हैं ना, अति को ख़त्म करने वाला कोई पैदा होगा, और कोई खतरनाक नहीं पैदा हो गया तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत दाल गल रहा है बाहरी लोगों का वो भी गलना बंद हो जाएगा। तो हमारा ये है कि किसी के साथ बच्चे लोग इतना बोल रहे हैं सर ये हो गया वो हो गया, अरे भैया सबके साथ हो रहा है, हमारा भी तो लाइफ ख़राब हुआ 2008 से 2011। मैं बोलता हूँ अधिकारियों को कब बाहर निकालेंगे सर, सबूत पे सबूत सबके पास है, 1-2 साल का सबूत तो मेरे पास रखा हुआ है, 2003 से लेकर 2024 तक पीएससी में जितने फर्जी अधिकारी लगे हैं वो लोग बाहर कब आएंगे? हाँ तो वो अमीर घर के बच्चे हैं, उनको निकालोगे नहीं आप, उनके लिए आदेश नहीं आएगा। और ये टीचर चतुर्थ श्रेणी गरीब के बच्चे, आपने कभी सुना अधिकारी का या बड़े आदमी का बेटा बेटी मास्टर है जी मास्टरी ने, आपने कभी सुना? नहीं सुना। हम गरीब लोगों को करते हैं नौकरी को, तो इनका फैसला तत्काल आ गया। और यही पीएससी में भी एक परिवार का 5 लोग लगे हैं, उसका आता पता नहीं, सिपाहियों को दे दिया, सीबीआई को दे दिया, सीबीआई को दे दिया, सीबीआई को दे दिया, उसका फैसला कब आएगा सर? चुनाव तो निकल जाएगी,
चुनाव निकालने के बाद कौन पूछता है 5 साल तक? हाँ, टीचरों का आ गया, क्योंकि वो गरीब के बच्चे हैं। तो सर ये हम गरीब लोगों को ना एकदम तोड़ के रख दिए हैं, आप लोग जागरूक रहो, समय आने पर ना सबको धोने का जरूरी है बहुत से। हाँ, यहाँ जब तक ना बहुत बड़ा अन्याय है और अन्याय इतना हद है पागल व्यापम पीएससी के बारे में आप सुनेंगे तो हद हो जाएंगे। महिला पर्यवेक्षक में पुरुष को प्रवेश पत्र जारी हुआ, ये कंडीशन है, लो बताओ। नहीं मतलब आप सोचिएगा कि कहाँ होते तेल बताओ, कहाँ सोचा तेल बताओ। आदमी की शादी में भैंसा सन बिहाव होते, ये सोच लो आप, और लोगों ला दिखत नहीं, सोचने वाली बात है। महिला पर्यवेक्षक में पुरुष को प्रवेश पत्र जारी हुआ है मेरे स्टूडेंट का, वह नाजा लगा लीजिए आप। इतना भी मतलब इनको पता नहीं है कौन फार्म भर रहा है, कौन फार्म नहीं भर रहा है और कौन क्या कर रहा है, तो वहाँ तो अन्याय होगा ही सर। तो हमको जागरूक होना पड़ेगा और आप लोग इसको ना एकदम नौकरी मिल जाएगा करके और खुश मत हो जाना, ज्वाइनिंग तो मिल ही जाएगी, क्योंकि 3500 के साथ लाइव नहीं खेल सकता है ऐसा मुझे लगता है। और खेलेगा तो सर आप भी तैयार रहिएगा। तो आप लोग ना कथरी ओढ़ के घी मत खाओ सर, छत्तीसगढ़ है लोग खास सर। ये अन्याय सिर्फ इधर ही होता है, अदर स्टेट में बहुत कम होता है, और वहाँ होता है ना तो तुरंत आगजनी हो जाता है। यहाँ देख रहे हो कुछ नहीं हो रहा है, वीडियो बना बना के रो रहे हैं, बस अपने विरोध को प्रकट करना जानो, उग्र हो सर, क्योंकि जब तक ना आप लड़ोगे नहीं आपको अधिकार मिलने वाला नहीं है। हमेशा सर झुकाने वाले कहीं पकड़ के मुंडी पकड़ के जमीन में गाड़ते हैं, यहाँ पे आपको गरीबी गरीबी चिल्लाते रहेगा ना, आपको ऐसी भिखारी बना के रख देंगे। हम छत्तीसगढ़ लोगों को एक होना ही पड़ेगा और आप लोग इस बिल्कुल डन, मेरा वो जुड़ो तो ग्रुप में आप लोग, तुम लोग मेरा वो टेलीग्राम में भी बन गया है झूलेकर कोचिंग, लिख लेना व्हाट्सएप में सब, और जुड़ो और अपना अपना ना जिला का नाम का मोबाइल नंबर मुझे दे दो टेलीग्राम में, सब जुड़ते हैं और एकदम भव्य आंदोलन के बारे को आगे बढ़ते हैं, तभी जाके ना इन लोगों को अकल बुद्धि आएगी। तुम लगा अलग लेते हो 1.5-2 साल बाद नौकरी, उसी को नहीं लगाना था, लगने के बाद निकलने का जो पीड़ा होता है उसको सोचिए जरा क्या है। आगे नौकरी लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो क्या हो जाएगा। तो ये सब समस्या है सर, आप क्या बोलोगे आप? तो आप लोग सपोर्ट करो और बिल्कुल इस चीज़ पे ना एकदम सजग रहो। हम एक बार कॉल करें ना तो भव्य आंदोलन के लिए तैयार रहिए आप, तभी बनेगा काम। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।